हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुगल जोड़ी में जो ये सेट हम डाले थे उसमें कान्हा जी का पटका के बारे में देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, मैं हर बार पटका बनाती थी दूसरे ढंग से, इस बार मैं कुछ चेंजिंग की हूँ इसमें। ये चीज़ जो है, ये गोल सा जो बनाए हैं हम, ये कंधा पर यहाँ पर रहेगा इस स्थान पर, और आधा भाग इधर की ओर आएगा और इसी का आधा भाग इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इस फूल के बारे में जानेंगे कैसे बना है। इसके लिए हम इस तरह से चैन लेंगे, एक दो तीन। ठीक है, तीन चैन लेने के बाद में डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया के बाद में हम फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। अब हम ये दोनों के बीच से हुक को डालते हुए और निकालेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। ये एक हो गया, फिर हम दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह जब तक हमारा ये गोलाई के रूप में ना बन जाए तब तक हम इसे बनाते रहेंगे। ये 6 प्लाई की ऊन से बना रहे हैं। इसमें हम ले चुके हैं अभी तक 1 2 3 4 5, ये छठा डबल क्रोशिया बन रहा है। ये सारी पोशाक हम 6 प्लाई ऊन से बनाए हुए हैं। इसे धागा को टाइट करेंगे और देखेंगे अगर हमारा हो गया है। देखिए इस तरह से, यानी अभी एक दो कुछ और डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो जब ये धागा टाइट कर लिए हैं, टाइट करने के बाद में इस जगह पर हम हुक को डालेंगे। एक और बना लेंगे हम। ये हो गया। अब हम इसमें देखिए इसको हम यहाँ पर लाकर ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये गोल बन गया। इस धागे को और टाइट कर दीजिए और यहाँ ऊन को कट कर लीजिए। कट कर लेने के बाद में इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब जो हल्का हल्का इसे हम हटा दिए धागा को, देखिए हमारा इस तरह का बन गया।
अब बनने के बाद में हम फिर इस जगह से या किसी भी जगह से हम दूसरे कलर का उनको ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए जैसा कि हम किए हैं, देखिए इस जगह से हम हुक को उनको ज्वाइंट कर लिए हैं। इस तरह से आप कहीं भी हुक को डालकर और ज्वाइंट कर ले। कर लेने के बाद में 2 3 4 5 6 7 सात चैन ले लें और फिर दोबारा इसी स्थान पर आप इसी स्थान पर यहाँ इसे बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दिए। अब हम इस तरह से एक दो दो चैन बिनकर इसे यहाँ पर लाकर इस तरह से कर देंगे। ठीक है, या हम ना करेंगे, देखिए तो हम फिर तीन चैन ले लिए। तीन चैन लेने के बाद में हमें यहाँ पर एक दो से हल्का टाइट करके करें, तीन, यानी कि यहाँ पर हमें चैन ले लेना है। करने के बाद देखिए 2 2 4 2 6 2 8 आठ चैन हम ले लेंगे, आठ चैन ले लेंगे इस जगह पर, आठ चैन लेने के बाद में अब हम देखिए आपको इस छोर में तो हम ये चीज़ बना लिए हैं इस छोर में, अब हम आपको ठीक इसके सीधाई में यहाँ पर ये चीज़ बना कर बताते हैं। ठीक है, ठीक इसके सीधाई में हमें लेना है। जॉइंट कर लिए हम उनको, अब हमें 1 2 3 4 5 6 छः हम ले लेते हैं। छः लेने के बाद में ठीक इसके जस्ट बगल में इस तरह से हम ज्वाइंट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमें कितनी चैन कितने बार डबल क्रोशिया करना है, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 आठ बार हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इसके लिए हम चैन ले लेंगे 1 2 3 और फिर डबल क्रोशिया हमें आठ बार करेंगे हम। एक, इसकी गिनती एक किए, इसकी गिनती दो, दो हो गया। 3 4 5 6 7 8 ये आठ हो गया। अब आठ के बाद हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हम 1 2 3 4 चार चैन ले लिए। अब हम दो बार फंदे को करेंगे, देखिए दो बार फंदे लिए। अब हमें इसे ऊपर की ओर से लेना है क्योंकि हमें ये चीज़ देखना है कि हम इसमें ये जो धारी आया है सुई सीधे की तरफ से है, तो इसमें भी धारी सीधे की तरफ से होनी चाहिए। इसके लिए हम देखिए इस तरह से लेंगे। ठीक है, और फिर इसे एक सॉरी दो बार यहाँ पर आपको फंदे लेने हैं, एक और दो, एक दो तीन, तीन बार में हम इसे गिरा दिए। फिर हम दो बार फंदे लेंगे, ये हमारा दो हो गया। अब दो होने के बाद सबसे पहले हम इसमें दो चैन ले लेंगे, एक और एक दो। अब हम फिर दो बार फंदे लेंगे लेकर और एक दो तीन गिरा दिए। फिर हम दो बार फंदे लेंगे और फिर इसी तरह हमें करनी है, एक दो, देखिए इस तरह से ये चीज़ बन गया। अब हम बीच में चैन लेंगे चार,
स्टार्टिंग में दो है, एक और एक दो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमारा ये चैन हो जाएगा चार, अभी दो है। इसके बाद फिर यही चीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम बीच में हमें लाना है, तो इस तरह से हम इसे बीच में लेते आएंगे। आ गया बीच में। अब हमें इस जगह पर भी डबल क्रोशिया करना है, इस जगह पर भी करना है। अब देखिए कितनी बार हमें करना है डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग का तो आठ था, यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, छः एक दो तीन चार पाँच छः, छः इसमें है, छः इसमें है, और छः के बाद इसमें फिर हो जाएगा अगला में दो दो चार दो छः दो आठ, यानी कि यहाँ छः है, यहाँ आठ आठ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक दो तीन, तीन ले लिए चैन, फंदे लेंगे। अब हम छः डबल क्रोशिया करेंगे, दो, इसे हम एक की गिनती में गिने हैं, तो हमारा ये दो हो गया, तीन चार पाँच छः। अब देखिए छः लेने के बाद में इस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कितना चैन लिए हैं, एक दो तीन चार, चार चैन, ये बीच में चार चैन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस जगह में भी है। अब हमें स्टार्टिंग में जो हम दो चैन लिए थे, इसके बाद हमें चार चार लेना है, क्योंकि इसकी जो घेरा कहिए आप, ये चीज़ को हमें बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो हम एक दो तीन चार, चार ले लिए, फिर हम यहाँ पर इस जगह पर हम कर लिए हैं डबल क्रोशिया। अब हमें इस जगह पर करनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः। फिर हमें पलट लेना है इसे, और एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार लेना है, ठीक है। फिर दो बार हम इस तरह से लपेटेंगे, यानी दो फंदे लेंगे हम, और ये पहला छोड़कर दूसरे से, एक दो तीन, तीन बार में गिरा दिए, फिर दो फंदे, दो बार फंदे लपेटेंगे इस तरह, और फिर अगला इसी तरह हम बनाएंगे, एक दो तीन। अब हमें दो चैन लेना है, एक दो, फिर दो बार फंदे को लपेटेंगे, और फिर तीन बार इसी तरह हमें करना है। अब यहाँ हमें चार चैन लेना है, एक दो तीन चार, फिर दो बार लपेटेंगे, फिर एक दो तीन, चैन लेंगे, एक दो फिर हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा एक दो, यानी इसे हम गिनते हैं तो एक दो, और इसे गिनते हैं तो एक दो,
यानी एक और बनाना है। तो जिस तरह से हम अभी यहाँ पर बतलाएं, इसी तरह से अब जब यहाँ जाएंगी आप यहाँ बीच में, तो बीच में जाएंगे तो आप यहाँ 6 था, यहाँ 8 डबल क्रोशिया कीजिए, यहाँ भी यहाँ 4 फिर चैन लीजिए, फिर 8 डबल क्रोशिया कीजिए, फिर जब पलट के आएंगी तो आप यही चीज़ को फिर से बना दें। बनाने के बाद में फिर ये चीज़ जो हम तो इस पोशाक में जो बताए हैं आपको, ये चीज़ मिलने के लिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर कर दिए हैं, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल ही आसान ढंग से बना हुआ, ये देखने में भले जो लगता है कि ज़रा हो सकता है बनाने में कुछ हार्ड होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। और देखिए, ये जब आपके कान्हा जी पहनेंगे तो देखिए ये ठीक बीचों बीच में कंधे पर आपका आएगा, कान्हा जी का कंधे पर आएगा, और एक भाग इस आगे की ओर आपका, एक भाग आगे की ओर आ जाएगा और एक भाग इस तरह से पीछे की ओर आ जाएगा, देखिए, जो कि पटका का रूप। आप इसे इस तरह से भी डाल सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं हर बार पटका आपको एक अलग शेप में बताती थी, इस बार मैं कुछ चेंजिंग इसमें लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।